हाय गाइस, मैं हूं शुभम। आप देख रहे हैं वाइड टिप्स। तो बिना वॉइस ओवर करके बिना फेस दिखाए आप कैसे पैसा इनकम कर सकते हैं फेसबुक से। जी हाँ, फेसबुक पे, यूट्यूब पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब के बारे में मैं थोड़ी दिनों में वीडियो ला दूंगा इस वीडियो के बाद। अभी हम सीखेंगे फेसबुक में वीडियो डाल के कैसे हम पैसा इनकम कर सकते हैं, वो भी सिर्फ कॉपी पेस्ट करके, क्योंकि अभी फेसबुक पे बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हो रहा है और बहुत लोग फेसबुक पे और ज्यादा देखते हैं, मतलब यूट्यूब पे जितना देखते हैं फेसबुक बहुत देखते हैं। तो इसीलिए पहले हम सीखेंगे कि फेसबुक पे डाल के आप कैसे पैसा इनकम कर सकते हैं, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रिक लगा के आप यूट्यूब से भी कैसे लाखों लाख इनकम कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि फेसबुक में कैसे आप वीडियो डाल के पैसा इनकम कर सकते हैं, वो भी आपका खुद का वीडियो नहीं, किसी दूसरे का वीडियो। दूसरे का वीडियो आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे, वो कोई फेस नहीं दिखाना है, कोई वॉइस ओवर नहीं करना है, कॉपी पेस्ट करके आप फेसबुक पे पैसा इनकम कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा, वीडियो को आपको थोड़ा एडिट करना पड़ेगा। तो वो कौन से एप्लीकेशन पे एडिट करेंगे, क्या कुछ एडिट करेंगे, कौन सा वाला वीडियो डालेंगे और वीडियो कहाँ से लाएंगे, वो आप सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। देरी के बढ़ते हैं मोबाइल के स्क्रीन की तरफ। अब आपको ये वीडियो कहाँ पे मिलेगा? वीडियो सिंपल सा बात है, यूट्यूब पे ही वीडियो मिल जाएगा। यूट्यूब से आप वीडियो डाउनलोड करेंगे और ये वीडियो को डालेंगे आप कहाँ पे? फेसबुक पर। तो चलिए अभी मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। पहले हमको क्या करना है, यूट्यूब पे पहले मैं आपको एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ। आप सिंपल सा फेसबुक पे जाएंगे, मैंने ये सर्च करके पहले ही रखा था, यहाँ पे सिर्फ सर्च कर लेंगे कपिल शर्मा शो। सर्च फेसबुक पे जाके सर्च करेंगे तो फिर यहाँ पे देखेंगे कितना सारा ये, आप शॉर्ट भी डाल सकते हैं, लॉन्ग भी डाल सकते हैं। लॉन्ग भी बहुत जाता है व्यू, ये देखिए 2M, 1.1M, 13M, 1.4M, इस तरह का, मतलब हर वीडियो में एम ही एम देख सकते हैं, हर वीडियो में एम ई एम। इस तरह का वीडियो आप कपिल शर्मा शो का हो या फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा हो, इस तरह का वीडियो आप डाल सकते हैं। तो आप पहले हम क्या करेंगे, सिंपल सा यूट्यूब पे जाएंगे। तो आपको मतलब ऐसे ही यूट्यूब पे कपिल शर्मा शो का वीडियो सर्च करके आप डाल दोगे एडिट करके, वो नहीं चलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे, आप फिर वीडियो यहीं पे ही छोड़ देंगे, आप चले जाएंगे सीधा यूट्यूब पे, कपिल शर्मा शो डाउनलोड कर लेंगे, फिर आप एडिट थोड़ा सा कर लेंगे। एडिट का भी मैंने अभी तक बताया नहीं, आपने एडिट थोड़ा सा कुछ अपने हिसाब से कर लेंगे, फिर डाल देंगे, फिर कुछ प्रॉब्लम होगा फिर आके मेरे को कॉमेंट में बताएंगे कि ये ट्रिक काम नहीं कर रहा है, मैं झूठ बोला हूँ नहीं। पहले अच्छे से देख लीजिए, बाद में अप्लाई करना। यहाँ पे हम सिंपल सा अभी क्या YouTube ओपन किया, YouTube पे कपिल शर्मा शो का सर्च कर लेंगे। देखिए कपिल शर्मा शो, यहाँ पे कपिल शर्मा शो सर्च करने वाले हैं। कपिल शर्मा शो सर्च करने के बाद हम यहाँ पे यहाँ पे जाएंगे। थ्री डॉट पे जाने के बाद हम यहाँ पे फिल्टर पे सर्च करेंगे, यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे जो लिखा है क्रिएटिव कॉमन आपको अप्लाई करना है। अगर आप बिना क्रिएटिव कॉमन का अप्लाई कर रहा आप वीडियो डाउनलोड करके रहते हैं तो फिर आप यूट्यूब पे डालिए या फिर फेसबुक पे डालिए या फिर फेसबुक पे कॉपीराइट आपको आएगा। तो इस तरह का आपको क्रिएटिव कॉमन पे अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे अभी जितना सब वीडियो आएगा ये सब कॉपीराइट फ्री का वीडियो है, देखिए कुछ इस तरह का। अप्लाई करने के बाद जैसे कि ये वीडियो आ गया, तो ये वीडियो जो भी वीडियो आप डाउनलोड करेंगे ये क्रेडिट फ्री है। तो इस वीडियो का हमको क्या करना है ना, सिंपल सा डाउनलोड कर लेना है जिस भी वीडियो को आप चाहिए, ये वाला 3 मिनट वाला का, 1 मिनट, मैं एग्जांपल के लिए ये दिखाता हूँ, ये वाला वीडियो हम सिंपल सा डाउनलोड कर लेंगे। और यहाँ पे डाउनलोड कैसे करेंगे वो आपको मैं नहीं बता सकता, वो आपको नहीं बता सकता या फिर नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ है। तो आपको तो पता ही होगा यूट्यूब से वीडियो कैसे डाउनलोड करते हैं, बहुत सारा एप्लीकेशन भी है और आपको पता ही होगा बहुत सारा एप्लीकेशन है, बहुत सारा साइट भी है। तो ये फिलहाल मैं ये वीडियो डाउनलोड कर लेता हूँ, मतलब पहले से ये वीडियो मेरे पास डाउनलोड करके रखा है मैं। तो अभी मैं दिखाता हूँ, ये यूट्यूब से आप वीडियो डाउनलोड करने के बाद आपको क्या चाहिए, एडिटिंग एप्लीकेशन चाहिए। तो आपको कौन सा एडिटिंग एप्लीकेशन, इधर आपके पास काइन मास्टर होगा तो काइन मास्टर में भी कर पाएंगे, या फिर वीटा होगा तो वीटा में भी, या फिर VN होगा। तो मेरे को इन तीनों में से VN अच्छा लगता है तो मैं VN में करूँगा। तो हम सिंपल सा VN ओपन कर लेंगे। VN एप्लीकेशन ओपन करने के बाद हम प्लस आइकन पे जाएंगे, प्लस आइकन पे जाके न्यू प्रोजेक्ट पे जाके हमारा वीडियो आ गया। तो हमारा वीडियो को हम सिंपल सा यहाँ पे ला देंगे, तो हमारा वीडियो आ गया। तो हमको क्या करना है ना, ये पहले वाला थोड़ा सा कट कर लेना है, और ये जो VN में एक अच्छा बात है, वाटरमार्क नहीं आता, लेकिन ये लास्ट को थोड़ा सा वाटरमार्क ये रहता है, इसको आप हटा भी सकते हैं, डिलीट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको आप चाहे लॉन्ग में भी डाल सकते हैं, शॉर्ट में भी डाल सकते हैं। शॉर्ट में डालेंगे तो यहाँ पे जाएंगे रेशियो, ये टिकटॉक वाला का जो है 6 जो है, ये वाला रेशियो आपको चेक कर लेना है, ये वाला रेशियो लेना है, या फिर आप अगर लॉन्ग में करना चाहते हैं तो ये वाला ओरिजिनल ही रख देंगे। तो आपको क्या करना है ना, बीच बीच में इस तरह का कट मार लेना है, बीच बीच में आके पे कट मार लेंगे। और ये वीडियो यूट्यूब से जो जितना बड़ा वीडियो यूट्यूब से आप उठाएंगे उससे उसको थोड़ा सा आगे वाला और पीछे वाला को कट कर लेंगे, फिर इस तरह से कुछ कट मार लेंगे। कट मार लेने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है,
वीडियो का फिल्टर चेंज कर लेना है। ये जो वीडियो का फिल्टर है यहाँ पे है, कोई भी फिल्टर, ये सब फिल्टर में अच्छा लगता है कपिल शर्मा का शो। तो ऑल पे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो ये सारा फिल्टर हो गया है, फिल्टर हो गया। फिर आपको यहाँ पे म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक एक लगा लेना है जो कि NCNN का, जो कि आपको YouTube पे ही मिल जाएगा। सिंपल से आप YouTube पे जाएंगे, सर्च करेंगे NCNN करके सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा। तो वो म्यूजिक मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है, तो वो वाला बैकग्राउंड म्यूजिक आपको यहाँ पे लगा देना है। तो आप सिंपल से YouTube पे जाएंगे, NCN करके सर्च करेंगे, नॉन कॉपीराइट NCN नॉन कॉपीराइट आ जाएगा YouTube पे चैनल। तो उसका आपको कॉपी का उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर आप क्या करेंगे ना, यहाँ पे मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे हम ये अप्लाई कर लेंगे और म्यूजिक का हम वॉल्यूम दे देंगे, मतलब बहुत ही कम, यहाँ पे 9 पे दे देंगे हम, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा थोड़ा सा सुनाई देता है तो अच्छा है। तो यहाँ पे इस तरह का हमने एडिट कुछ कर लिया, मतलब ज़्यादा कुछ एडिट नहीं करना है, बस इस तरह का कट मार लेना है और इसको थोड़ा सा एडिट कर लेना है। अगर आप चाहेंगे तो स्मूथ ट्रांजेक्शन भी यहाँ पर लगा सकते हैं इस तरह का। यहाँ पे तो ये सब है, ये वाला एक ही लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक लगा देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे पहले वाले में अगर मेरे को पसंद है ये वाला मेरे को पसंद है, एंड में ये वाला मेरे को पसंद है। तो इस तरह का आपने कुछ लगा लिया, तो इस तरह का आपने बैकग्राउंड म्यूजिक भी डाल दिया, फिल्टर भी चेंज कर लिया। और यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा आ जाएंगे यहाँ पे, थोड़ा सा ये वाला को जूम कर लेंगे, सपोज पहले वाला ठीक है, ये सेकंड वाला को आपको ऐसे जूम कर लेना है, फिर इसको आपको जूम आउट कर लेना है, फिर यहाँ पे भी आप वही वाला करेंगे, जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट, इस तरह का आप कुछ कर लेंगे तो ये देखने में भी अच्छा लगेगा और ये मतलब तो एडिट हो गया है, ये इतना कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह का आपको कर लेना है, जिस तरह का मैं बता रहा हूँ उसी तरह का स्टेप टू बाई स्टेप आपको कर लेना है। तो इस तरह का कर लेंगे, ये वीडियो हमारा बहुत ही मज़ेदार बन गया, मतलब थोड़ा एडिट करने के बाद और थोड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब वीडियो तो अच्छा ही है। देखिए बिल्कुल ये हो गया हमारा वीडियो। तो इस तरह का आपको वीडियो डाउनलोड करके आपको इस तरह का रेजुलेशन में सेव कर लेना है। सेव कर लेने के बाद इसको सिंपल सा आप फेसबुक पे जाके अपलोड कर लेंगे। फेसबुक पे अपलोड करना तो आता ही होगा ना, अगर फेसबुक पे अपलोड करना नहीं आता है तो फेसबुक पे आप कैसे पेज बना सकते हैं, फेसबुक पे कैसे पेज में अपलोड कर सकते हैं, कैसे प्रोफाइल पे अपलोड कर सकते हैं, कैसे प्रोफाइल को आप पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और किस तरह का फेसबुक एडिट कर सकते हैं, फेसबुक का प्रोफाइल कैसे एडिट कर सकते हैं, वो सब अगर देखना है, वो सब अगर आपको सीखना है तो मेरे को कॉमेंट कीजिए, मैं उस पर भी एक वीडियो ला दूंगा। तो सिंपल से आपको इस तरह का एडिट करना है, इस तरह का एडिट करके फेसबुक पे जाके वीडियो अपलोड कर लेंगे तो आराम से आपका वीडियो वायरल होगा 100%, और आपका वीडियो में बहुत सारा व्यू आएगा, और इससे इस तरह का आप वीडियो बनाएंगे तो आपको फेसबुक पे अर्निंग भी होगा, अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, तो मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो में।